सारे भाइयों के बीच में चल रहा है विवाद, और उस विवाद को लेकर के हमने अपनी राय रखी। बहुत लोग जानना चाहते थे कि भैया आप बताओ सच क्या है क्या नहीं, आपके ऊपर मुसीबत आई थी तो आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, तो आप इन सब चीजों में मत पड़ो, आप इन सब चीजों से दूर ही रहिए, आप जो है इन सब चीजों को झेल नहीं पाओगे, आप क्यों कूद गए इन सब चीजों में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल जी क्रियांश है हमारे गोद में, क्योंकि क्रियांश को जो अभी देना है टीम, क्रियांश को हो गया थोड़ा सा जुकाम, तो अभी तो बहुत मस्ती में खेल रहा है, आपको लग रहा होगा एकदम स्वस्थ है, ठीक तो है, लेकिन बीच बीच में जो है खांसता है, और जब यह सोता है तो कई बार जो है इसके जो सीने में जो जकड़न रहता है उसकी आवाज आती है अच्छी खासी। क्या क्या चाहिए तुमको? यह तो देख लिया है ना वह मशीन जो नेबुलाइजर है, बस उसी को देख के खुश है। तो आज बहुत दिनों बाद जो है हम लोगों का यह नेबुलाइजर वाला मशीन निकला है, एक ही बार जरूरत पड़ा था, और वह भी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गया था क्रियांश का। डार्जिलिंग से आए थे उसी समय, तो क्रियांश को दिया जाएगा अभी यहाँ से, क्या जाएगा नेबुलाइज। करके दिखा फिर से। फिर से करके देखा, शर्म आ गया कि पापा भी करने लग गए। क्रियांश की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, क्रियांश है ना, क्रियांश को सर्दी लग गई है, खांसी हो गया है। क्रियांश हाय कर दो तो एक बार, हाय बाय। नो बाय। तो अभी क्रियांश की होने वाली है मालिश। हाँ क्रियांश, बिल्कुल जल्दी से गरम गरम तेल से मालिश हो जाएगा, क्रियांश फिर हेल्दी हो जाएगा, सारा सर्दी जुकाम सारा दूर, बस एक बार करवा लेना है मालिश। क्या कर रहा है? पता है सभी कमेंट क्या करेंगे, हम आपका ब्लॉग थोड़ी देखने आए, हम तो क्रियांश को देखने आए। बिल्कुल, तो देखिए अपने क्रियांश को। तो ऐसा कमेंट जब भी रहता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे बेटे को इतना प्यार देते हो। The next day. तो जिया का अपना खाना लग गया है, तो खाने में क्या है, रोटी है और प्याज का ये फ्राई वाला है, साग है, उसके बाद ये आलू पनीर है, आलू मटर पनीर, तीन चीज है। तो हमको अच्छा सबसे अच्छा लगा ये, हमको भी बहुत अच्छा लगा, और ये तो हम लोग का नॉर्मल है ये खाने में। ये भी अच्छा लगता है। तो इधर जिया का खाना चल रहा है और मेरा तो खाना हो ही गया है, और अब मैं चल रहा हूँ क्रियांश के पास, क्योंकि क्रियांश अभी सो रहा है जी। क्रियांश का क्या आदत है ना कि क्रियांश के बगल में अगर कोई नहीं सोए ना, तो एक बार जो है बीच में देखते हैं, कई बार वह उठता है और थोड़ा सा आँख खोल करके जब वो देखता है कि कोई आसपास है कि नहीं, और जब देखता है मम्मी पापा आसपास है, तो फिर से सो जाता है। तो ऐसा क्या आप लोगों के बच्चे के साथ भी ऐसा है क्या? शायद हो सकता है ये बच्चों का बिहेवियर ही हो, बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा करता है, तो इसलिए हम जो है उसी के बगल में, और या तो जिया, हम में से कोई ना कोई जो है क्रियांश के बगल में ही रहते हैं और हम लोग ऐसे ही सोते हैं। और फिलहाल आपको नजर आ रहा है क्रियांश का एल्बम सब है पीछे बहुत सारा, तो पुरानी यादें जो है ताजा हो रही है, और कुछ कुछ हमारे जन्मदिन का भी एल्बम सब बना हुआ है उस पर रखा हुआ। हमारा ध्यान जा रहा है क्रियांश का इस पर। क्रियांश शायद एक साल का भी नहीं था इस समय, क्या एक साल हो गया क्या इसमें, इस फोटो में? अच्छा, 3 महीने का था तब इसको जो इस तरह से तैयार किया गया था, तो देख पीछे से पकड़ करके फोटो लिया गया, देख सकते हैं हाथ है पीछे। 1 hour later A few moments later. तो अभी हम लोग आ गए छत पे, आज बहुत अच्छी धूप भी आई, और क्रियांश जो है ना बदमाशी किए जा रहे, क्या बोलो, तो मैं बोल रही हूँ तो मुझे देख रहा है, इसको एक ना कि मैं जो भी करूँ तुम रिकॉर्ड नहीं करो, इसको अच्छा नहीं लगता है क्रियांश। क्रियांश, ये क्रियांश क्या कर रहा है, कैसे चला रहे हो गाड़ी भैया, कैसे चला रहे हो, सिर्फ बदमाशी। हाँ मम्मा के हाथ पे हाथ दो, निकलो निकलो, ठीक है अब मत जाना, ठीक है। क्रियांश जो है ना सिर्फ उल्टा काम करता है, सीधा कुर्सी पे बैठना नहीं है, उल्टा करके बैठ जाना है, अब गिर जाना तुम इधर, यही काम करो तुम, फिर रोना, यही काम है तुम्हारा।
मम्मा पीट दी क्रियांश को, मम्मा पीट दी, झूठ का पीट दिया। एक्टिंग करके दिखा था सर। ओके पापा हाँ चला गया उसमें। तो अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 12:30 और इस समय जो है हम लोग आ गए हैं छत पर। अभी अभी तुरंत पापा को कोर्ट छोड़ करके आए और क्रियांश अपना जो है छत पर मजे से घूम रहा है और आसपास जो बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन सब का काम चल रहा है, क्रियांश को बड़ा मजा आता है उस साइड पर जाने में और वहाँ जो देखता है मशीन सब चल रहा होता है, बहुत खुश होता है। तो माँ आई है यहाँ पर पूजा करने के लिए और पोता का जो है अपना खेला भी देख रही है। वह क्रियांश क्या कर रहा है तू? बस इस डब्बे में जो है सारा गिट्टी रख देगा और गिट्टी को रख के जो है फिर उल्टा देगा, कुछ ऐसा ही काम है। और इसका सारा जितना भी खिलौना है, जो भी गाड़ी है, उसका हाल देखिए कुछ ऐसा है। इसका सीट हट गया है और वह उल्टा हुआ है और उसका कुछ कुछ फट भी गया। तो क्रियांश का खिलौना सबका यही हाल रहता है। टीका 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 जे जे जे। क्रियांश जो है अपना टायर के बीच में बैठ गया है और वहाँ गिट्टी ले लिया, एक दो गिट्टी, तो उस गिट्टी के साथ अपना खेल रहा है। इसके लिए तो इससे अच्छा जगह है नहीं। सही बात है, इसके लिए यही सबसे अच्छा जगह है, चारों तरफ से सुरक्षित है। वाह वाह, चारों तरफ से सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। बस खाली जिया देखना मुँह में ले लेता है गिट्टी, बस वही दिक्कत है। ये हे क्रियांश ये क्या कर रहा है? फेंकेगा उसको, ले 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 ले, फेंक दिया सीढ़ी के नीचे। ये देखिए फिर आया है बाल्टी और वाह 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 क्रियांश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ नहीं बोले ना, वाह वाह, ताली भी बजा रहा है। One hour later. तो क्रियांश का हो गया जी नहाना, नहाना तो नहीं कहेंगे जी, हाफ बात कहेंगे, क्योंकि उसको है सर्दी, तो सर्दी की वजह से जो है सोचा कि अभी नहाना उसको सही नहीं रहेगा। अब उसको सुलाने की कोशिश की जा रही है, मालिश सब हो चुका है और हम आ रहे हैं दूध लेने के लिए। तो मम्मी अपना यहाँ खाना खा रही है तो हम खुद से दूध ले लेते हैं। बढ़िया तो हम गर्म करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि कोई काम सही से करेगा ये। तो फिलहाल जिया और क्रियांश जो है सो गए हैं और हमारा भी काम जो है फिलहाल खत्म हो गया है, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बात करूं। तो जी हमने देखा कि कल जो हमने ब्लॉग डाला था उस ब्लॉग को लेकर के जो है तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे जो कुछ भाई हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग, क्या बोलने का जरूरत है जी, नाम नहीं लेंगे। तो सारे भाइयों के बीच में चल रहा है विवाद और उस विवाद को लेकर के हमने अपनी राय रखी थी, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते थे कि भैया आप बताओ सच क्या है क्या नहीं है ये सब। तो इसीलिए जो है आप ही लोग के कमेंट पर जो है हमने अपना वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद भी जो है बहुत तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो कुछ रिएक्शन इस तरह का था कि भैया जब आपके ऊपर मुसीबत आई थी तो आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, तो आप इन सब चीजों में मत पड़ो, आप इन सब चीजों से दूर ही रहिए। दूसरा मैं यह देख रहा था भैया आप जो है इन सब चीजों में मत पड़िए वरना आपको भी टारगेट कर लिया जाएगा, तो आप जो है इन सब चीजों को झेल नहीं पाओगे। और क्या देख रहा था, एक और था कि हाँ भैया आप क्यों कूद गए इन सब चीजों में, आपको जो है दूर रहना चाहिए था इन सब चीजों से। मिला जुला करके जो है यही है कमेंट। तो सोचा कि चलिए जी एक बार जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जी बात क्या है, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं आपस में, उन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग होती है और कभी कभी कुछ गलतफहमी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह की कुछ गलतफहमी चल रही है सभी के बीच में। यह गलतफहमी जो है मुझे लगता है कि यह सब दूर हो जानी चाहिए, जब साथ में ये लोग एक बार मिलके बैठेंगे, मिलके बात करेंगे, सभी की गलतफहमी जो है दूर हो जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद दूसरा चीज यह देखा कि आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया तो आप क्यों इन सब चीजों में पड़ रहे हो। तो देखिए जी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ लोग सब खड़े नहीं थे, बहुत सारे लोग सब थे, लेकिन मैं चाहता था कि वो लोग जो है इन सब चीजों में नहीं पड़े। जिस तरह का तनाव से हम लोग गुजर रहे थे तो हमने चाह रहे थे कि कोई और भी साथी गुजरे और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से आए। और दूसरी बात जी, जब भी किसी को लेकर के लगी है कि उसको हमारी मदद की जरूरत है और हम वहाँ पर जो है कुछ सहयोग कर सकते हैं, मेरे कुछ एक स्टेप लेने से जो है सब कुछ ठीक हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह कोई भी खराब तरह की बात है। और जी बाकी रहा कि मैं क्यों आया इन सब चीजों के बीच में, इसका जवाब अभी तक मुझे लगता है आपको मिल ही गया होगा। तो जी मैंने कुछ भी बात को बढ़ाने के लिए नहीं बोला था, आपने देखा ही होगा, मैंने कहा था कि सभी भाई जो आपस में मिल बैठ कर बात करें और यह सारा विवाद को खत्म करें, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं, उनके चाहने वाले, हमारे चाहने वाले, सभी लोग चाहते हैं कि सभी यूट्यूबर जो है इकट्ठा रहे, साथ में मिलजुल करके रहे। तो हमारी भी एक यही कोशिश थी और यही कोशिश की गई थी, सभी लोगों से फोन पर बातचीत भी हो रही है और उम्मीद करते हैं जी सब कुछ सुलझ भी जाए। प्लीज किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं पाले, हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में सकारात्मक वीडियो ही लाए और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि एक सकारात्मक माहौल एक कम्युनिटी में बन सके, तो उसको लेकर के हमारी पहल जारी रहेगी। बाकी आप लोग जो ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए, प्यार देते रहिए, आज जहाँ भी है जिंदगी में, जो भी है, जैसे भी है, वो सब आप लोगों की वजह से है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।